ओम शांति। आज बाबा के 24 अगस्त 2021 के साकार मथुर महावाक्य हैं। आज बाबा सत्युगी स्वराज्य की तैयारी समझा रहे हैं। आपको सत्युगी स्वराज्य प्राप्त करना है तो उसके लिए पवित्रता का बल चाहिए। सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर आत्मा पावन बन जाती है, एक धर्म एक राज्य की स्थापना हो जाती है, ज्ञान योग बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। अब तक जो कुछ पढ़ा है वो सब भूल जाना है, बस एक बाबा को याद करना है। जो कुछ भी हमने पुरानी दुनिया की बातें सुनी, इधर उधर के समाचार सुने, वेदों शास्त्रों की बातें सुनी, अब बाबा कहते उसके स्थान पर बाबा जो सार समझा रहे हैं वो सार बुद्धि में आना चाहिए। याद दिला रहे बाबा, पतित पावन सदगति दाता ज्ञान सागर एक बाप है। बाबा आकर वेदों शास्त्रों का भी सार बताते हैं, गीतों का भी सार बताते हैं, बाबा अपनी भी जीवन कहानी बताते हैं और देवी देवताओं के बारे में भी बताते हैं। मनुष्यों की हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है, बाबा की महिमा अपरम अपार है। बाबा बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए आते हैं। बाबा ने कहा मैं आपसे कोई फी नहीं लेता हूँ। अन्य किसी स्थान पर जाएंगे, एडमिशन होगा, सबसे पहले फी की बात करेंगे, शुल्क की बात करेंगे। बाबा बच्चों से क्या फी लेंगे, कन्याओं माताओं से बाबा क्या लेंगे? बाबा कहते यहाँ तुम बच्चे मुझे याद करो और पवित्र बनो, और कोई खर्चे की बात नहीं है। बाबा बच्चों को सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा सुनाते हैं। ये सच्ची सच्ची कथा है जिससे आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। वैसे हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो लाखों रुपया खर्च आता है, अपने घर में ही बाबा कहते छोटा सा स्थान बना दो, खर्चे की कोई बात नहीं, अनेक आत्माओं का कल्याण होता रहे, अथाह ज्ञान रत्न प्राप्त होते हैं। सच्चे ज्ञान की निशानी कि अब देह भान निकल जाना चाहिए, मत भेद निकल जाना चाहिए, हम गुजराती हैं हम पंजाबी हैं ये सब निकल जाना चाहिए। हम सब शुद्ध आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा से वर्षा लेने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चे जो पढ़ाई पढ़ते हो इसमें आपको उत्तम से उत्तम पुरुषार्थ करना है, सतो प्रधान पुरुषार्थी बनना है। कोई थोड़ा सुनते हैं, कोई कम सुनते हैं, कोई नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं तो उन्हें तमोगुणी पुरुषार्थी कहेंगे। आपको सतो प्रधान देवता बनने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है, अपना ही तन मन धन लगाना है। जो ब्राह्मण बनते हैं अपना ही तन मन धन लगाते हैं, खर्चे की कोई बात नहीं। ऊंचे से ऊंचे बाबा के साथ ब्रह्मा भी बड़ी आसामी है, लेकिन वो कितना साधारण रीति चलते हैं। बाबा बच्चों के साथ ट्रेन में भी आते जाते हैं, कौन जानता है इस बात को कि इनके द्वारा निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। जो बच्चे बने हैं वही बाबा को पहचानते हैं। अब हमें निराकार बाप को याद कर योग बल जमा करना है, ज्ञान योग का बल जमा करना है। बहुत सुंदर बात बाबा वरदान में समझा रहे हैं, आपके जो असली संस्कार हैं वो हैं ज्ञान का सिमरण करते हुए, चिंतन करते हुए स्वरूप बन जाना, सदा हर्षित रहना। माया इसमें भी विघ्न डालती है। बाबा ने कहा जब आपके सामने माया आए तो पुराने संस्कारों को पीठ दे दो, उसके लिए मास्टर आलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, फिर व्यर्थ नहीं आ सकता, साधारण भी नहीं आ सकता। अपने असली संस्कार इमर्श करो, मुझे सदा हर्षित रहना है। देवी देवताएं सदा हर्षित होते हैं। संपूर्णता का आह्वान करना है, संपूर्णता के आह्वान वाली आत्माएं किसी भी हद की आकर्षण में नहीं आ सकती। आज पूरा दिन देवी देवताओं की तरह से हर्षित रहना है, हर कार्य हर्षित रहते हुए करना है। साथ साथ जो भी ज्ञान का बल, योग बल, पवित्रता का बल है उसको बढ़ाते जाना है,
बीच बीच में समय निकालकर शक्तिशाली योग करना है ताकि योग बल जमा होता रहे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूलकर एक बाप को याद करो। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। क्वेश्चन है, भारत पर सत्युगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? कौन सा बल चाहिए? भारत पर सत्युगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। ये पवित्रता का ही बल है जिससे सत्युगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। गीता, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेद शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे ये भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते, खिवैया व बागवान व सदगति दाता एक ही बाप है। खिवैया व बागवान व सदगति दाता एक ही बाप है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं, यहाँ पवित्रता सुख शांति थी जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यहाँ पवित्रता सुख शांति थी जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हमजिंस राधे है, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते। वास्तव में मनानी चाहिए दोनों की। समझ तो कुछ है नहीं, उनके जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं। बाबा आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्मा ही नमा, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है, कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी ज़मीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वो कहाँ गए, ये बातें कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता, रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया, बरोबर अब कलयुग का अंत है, सतयुग का आदि है। संगम पर परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं। क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं, कनिष्ठ हैं। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, सतो रजो तमो होते हैं। जो अच्छी रीति ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे। जो अच्छी रीति ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे। जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे। जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसा होता। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुम्हें ज्ञान दिया जाता। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहते हो यह है सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो यह सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा, सच्ची अमर कथा, सच्ची तिजरी की कथा, तीसरा नेत्र प्राप्त होने की कथा। इसी को तिजरी की कथा कहते हैं। ज्ञान का नेत्र तीसरा नेत्र है। ये तीसरा नेत्र शिव बाबा आकर देते हैं। ये तिजरी की कथा भी प्रसिद्ध है। चित्र सब तुम्हारे पास हैं, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे प्रतिज्ञा करते हो,
हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हें इतला करनी है, खबर देनी है, गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे तो जरूर अब पतित राज्य है, ये कोई समझ नहीं सकते हम खुद पतित हैं। रावण है पांच विकार, कहते राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता, कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते। तुम बच्चे इतला करते हो, हम श्रीमद पर ब्रह्मा द्वारा 5 वर्ष पहले माफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे। श्रीमद पर 5 वर्ष पहले माफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे, यह पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध करके समझाते हो, सत्यों में एक धर्म एक राज्य था, भले त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं परंतु होगी एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं, बच्चे जानते हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे, जैसे मुसाफिरी से नज़दीक आते जाते अपने देश तरफ खुश होते हैं कि हम अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा, राजधानी का भी होगा, पुरुषार्थ का भी होगा। देखेंगे बाबा हमें कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे, पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो, ये याद की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है, जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है, एक हफ्ता समझने से सहज समझ जाएंगे, एक सप्ताह कोर्स करने से सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझाने हैं। 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है, ये भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, जानते हो पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। शिव बाबा की मत पर फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते, अपने तन मन धन से सेवा करते हैं, जितना जो करेंगे वो अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भांति हो, तुम्हारे से ही बाबा सत्युगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं, खर्चा भी तुम ही करेंगे, तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं, तुम्हें सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है, उनके पास कुछ है क्या, बाबा बच्चों से क्या फी लेंगे, पिता अपने बच्चों से क्या फी लेंगे, कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की ही बात करते हैं, यहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता, वहाँ पर फी की ही बात की जाती है क्योंकि वहाँ पढ़ाई में कितना खर्चा होता। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे, शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसा लेंगे। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरात के महल बनाने हैं, इसलिए तुम यहाँ जो कुछ करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुम्हें महल मिल जाते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं, जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वो वैसा वहाँ पाएंगे, जितना तन मन धन से सेवा करेंगे ऐसा वहाँ पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं, यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आदिपति कौन था, उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिख दिया, वास्तव में है निराकार भगवान, तुमको श्रीमत देने वाला स्वयं भगवान है। बाकी सब रावण की मत पर, रावण राज्य में रावण की मत पर कितने डर्टी बन गए, अब यही सृष्टि पुरानी वही फिर नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था, भारत नया भारत पुराना कहेंगे, नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नरक है, इसे कहते रोरव नरक। मनुष्य की ही बात है, यहाँ सुख का नाम निशान नहीं, ये कोई सुख थोड़ा ही है। सन्यासी भी कहते हैं
इस समय का सुख काग्विष्ठा के समान है, इसलिए वो ग्रस्त व्यवहार को छोड़ देते, वह स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर न सके। श्री कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसलिए श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान है, इसलिए सब बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र हैं। गाया भी जाता, छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं रहता, सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है, बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता। नंबर वन फूल श्री कृष्ण है, स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस, जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण को सब याद करते हैं, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। बाबा कहते जो बनना है सो बनो, सिर्फ एक कृष्ण थोड़ा ही बनता है, प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं, सेकंड थर्ड होते हैं। यहाँ भी डायनेस्टी है, बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे ये घराना है, तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चन से है। श्री कृष्ण और क्रिश्चन दोनों की एक ही राशि है, लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से कितना धन ले गए, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। ये यूरोप वासी आपस में लड़कर ख़त्म हो जाएंगे, इस पर कहानी भी है। दो बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। ये बात अभी की है कि वो आपस में लड़ेंगे और राजभाग तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, ये नहीं, ये मत भेद भी निकल जाना चाहिए। हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, ये मत भेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से। योग बल से हम पावन बनते हैं। बाबा है सर्वशक्तिवान, उनसे ही बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो, सारा पवित्रता का बल है। कहते भी आकर पतित से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहाँ गोरख धंधे में जाके सब भूल जाएं। यहाँ सम्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते हो, नदियों में वो लहरें नहीं होती हैं। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है, जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली, वह जमीन फिर कितने दाम में बेचते, जानते हुए बॉम्बे ही नहीं रहेगी। आगे बॉम्बे थोड़ा ही थी, छोटा एक गांवड़ा था। ये माताएं तो भोली हैं, ये इतना पढ़ी लिखी नहीं है, यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना होता है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है, पढ़े हुए मनुष्य समझते समय कितने प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाबा को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात ही नहीं। बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना। महिमा है बेहद के बाप की, जानते हो ऊंचे से ऊंचा एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा, उनसे ऊंचा कोई होता नहीं, इससे बड़ी आशा में कोई नहीं। परंतु चलते देखो कितना साधारण है, कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि ये कौन है। साकार में बाबा आते जाते थे, बच्चों के साथ ही बैठते थे, ट्रेन में भी आते जाते थे, किसी को क्या मालूम कि ये कौन है। भगवान आके ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश करके ज्ञान देंगे। अगर कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी ना सके, सिर्फ दर्शन करते रहें। यहाँ तो बाबा गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इनकॉग्निटो सेना, तुम जानते हो हम आत्मा योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। योग बल से फिर से हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये पुराना शरीर छोड़ नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर जाकर राज्य करूँगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है, आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है। लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा,
ये चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा, विनाश के आसार भी सामने देखते हो, वही महाभारत लड़ाई है, जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में, किस तन में, वह तुम बच्चों के अलावा किसी को पता नहीं है। कहते मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं श्री कृष्ण के तन में नहीं आता, यहाँ पूरे 84 जन्म लेते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले लेते हैं, जो सतयुग में आते हैं वो सूर्यवंशी हैं, वही आकर के 84 जन्म पूरे लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़, निराकारी झाड़, दोनों का तुम्हें सारा ज्ञान है। साकारी झाड़, निराकारी झाड़, दोनों का तुम्हें ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती, पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी बहुत ऊंची है, बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए, सेवा के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। कोई बच्चियाँ ऐसी सी बातें समझाएं तो कमाल है ना, कितना नाम निकालेंगी, लौकिक अलौकिक दोनों का ही नाम बाला करेंगे। कोई बच्चियाँ ऐसे समझाएं कुमारियाँ तो दोनों पिता का ही नाम बाला करेंगी, लौकिक का भी पारलौकिक पिता का भी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो कनिष्ठ बन जाए। गुप्त रूप में बाबा का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। गुप्त रूप में बाबा का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। कौन सा बल जमा करेंगे? याद का और पवित्रता का बल। वरदान है अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उसका स्वरूप बनते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। जो ज्ञान का सिमरण करते हैं उसका स्वरूप बनते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है। जो संग दोष में आ गए अब उसे पीठ दे दो और अपने आलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पे रहो। आलमाइटी अथॉरिटी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान की ऊंचे स्वमान की सीट पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रखेंगे। जब आप अपने स्वमान की सीट पर रहेंगे, आलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहेंगे तो कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत नहीं रख सकेंगे। सरल शब्दों में जो अपने ओरिजिनल संस्कार हैं, अनादि संस्कार हैं, उन्हें इमर्ज करो। जो चलते फिरते यहाँ पर आ गए उन संस्कारों को जो दुखदायी हैं, व्यर्थ हैं, उन्हें मिटा देना है। उसके लिए स्वमान में रहना है, मैं मास्टर आलमाइटी अथॉरिटी हूँ। इस पोजीशन पर रहने से सदा हर्षित रहेंगे। हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का संस्कार है। स्लोगन है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकते। संपूर्णता का, परफेक्शन का एम अपने सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकते। आज पूरा दिन हर्षित रहेंगे। माया पेपर लेगी, ऐसी बातें आएंगी जो आपकी प्रसन्नता को, आपकी चीयरफुलनेस को कम करें, अटेंशन देंगे। आज मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ,
आलमाइटी अथॉरिटी हूँ, मास्टर आलमाइटी अथॉरिटी हूँ। पूरा दिन कितनी भी बातें आएं, मुझे हर्षित रहना है। अपने मन में चित्र बनाए देवी देवताओं का। जब हम मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं को किस स्वरूप से देखते हैं? देवी देवताएं सदा हर्षित होते हैं। मुझे भी सदा प्रसन्न रहना है। माया कितने भी पेपर लाए, मेरी प्रसन्नता को कम नहीं कर सकती। मन ही मन आत्मिक स्वरूप में टिक कर अनादि गुणों का आह्वान करेंगे, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, सदा हर्षित हूं। कर्म क्षेत्र पर पूरा दिन हर्षित रहना है। बातें आए या चली जाए, मेरी प्रसन्नता को, मुस्कुराहट को लेकर नहीं जा सकती। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। धार हो मुरली की तान बज रही।